हेलो एवरीबॉडी और सभी को जय गुरु। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिया गया नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोड के बारे में आपको इंटीमेशन तुरंत मिल पाएगा। चलिए आज हम वास्तु के ऊपर कुछ जनरल टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपको घर बनाने से पहले या कोई सा भी फ्लैट खरीदने से पहले थोड़ा बहुत जानकारी रहेगा कि वास्तु के हिसाब से कौन सा रूम किस साइड होना चाहिए और क्या होना चाहिए। ठाकुर जी के आइडियोलॉजी के साथ ये जनरल टॉपिक्स भी हम आगे और अपलोड करते रहेंगे, आपका रेस्पॉन्स सही रहा तो। आप वीडियो को अंत तक देखिए ताकि टोटल टॉपिक्स जो जो डिस्कस किया जा रहा है उसके बारे में आपको आइडिया आ जाए। हम जानते हैं हमारा चार दिशा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कोई सा भी ज़मीन के ऊपर आपको पहचान नहीं आ रहा है कि कौन सा डायरेक्शन कौन सी साइड में है, तो आप कंपास यूज कर सकते हैं। कंपास से पता चल जाएगा कौन सा नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अभी ये हमारा मेन एंट्रेंस लगभग हमेशा नॉर्थ साइड में होना चाहिए या ईस्ट साइड में होना चाहिए, कोई से भी घर का एंट्रेंस। जैसे नॉर्थ ईस्ट का हो गया, जो कन्नड़ को ऐशान्य कोण बोलते हैं, उसी कोने में श्री पूजा रूम रहना चाहिए। और पूजा रूम के ऊपर, छत के ऊपर हमको चलना नहीं चाहिए। ऐसे कोई सिर्फ सिंगल फ्लोर कर रहे हैं तो पूजा रूम के ऊपर भी और एक छत या पूजा रूम के ऊपर एक सीलिंग कर देते हैं ताकि वो छत के ऊपर कहीं इनके साथ जाते भी है तो वो काउंट ना हो। या आप कोशिश कीजिए पूजा रूम के ऊपर हमेशा पूजा रूम रखना है, इनके साथ आगे का फ्लोर भी बना रहे हैं। सिमिलरली आपको नॉर्थ, आपको साउथ ईस्ट जो कोना है वो आग्नेय कोना है, वहाँ पे सिर्फ किचन रहेगा। किचन, प्रेस, गीजर, जनरेटर, हीटर, ट्रांसफार्मर, ये सब साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रहेगा। आपका साउथ वेस्ट है नैऋत्य कोण, तो उसी नैऋत्य कोना में आपका वॉशरूम, बाथरूम या लैट्रिन रहेगा। इनके साथ आपका घर में आप अमुनिशन वगैरह रखते हैं तो वहाँ पे भी आप स्टोर कर सकते हैं। साउथ साइड में या साउथ वेस्ट में सबसे कोना वाला बेडरूम रहेगा मास्टर बेडरूम, जो घर का प्रधान या मुख्य है वो उसी घर में रहेगा, और वो जो बेडरूम बाकी बेडरूम से ये बड़ा रहेगा, चाहे 2 या 3 इंच से भी हो, वो बाकी बेडरूम से बड़ा होना है। आप साउथ साइड में स्टोर रूम रख सकते हैं, बेडरूम भी रख सकते हैं। आपको वेस्ट साइड में स्टडी रूम रख सकते हैं, डाइनिंग कर सकते हैं। और नॉर्थ वेस्ट साइड जो है वो बायव कोना है, उसी कोना में आप धन संपदा या जो भी है खेती से निकला हुआ है उसको स्टोर कर सकते हैं, ज्वेलरी भी स्टोर कर सकते हैं। और नॉर्थ साइड में आपका ड्राइंग रूम रख सकते हैं, पेशेंट रहने के लिए भी आप वहाँ रूम बना सकते हैं। और ड्रेनेज लाइन वगैरह के लिए आप पूर्व दिशा में बनाना है ताकि पूर्व के तरफ पानी जाना चाहिए। आप स्टोर रूम भी ईस्ट साइड में भी बना सकते हैं। और बीच वाला जो जगह है ब्रह्म स्थान बोलते हैं, तो वो खाली होना चाहिए और ताकि हवा, लाइट ये सब पास कर सकता है। चलिए हम देखते हैं आपका जो बोरिंग करते हैं या कुआं बनाते हैं तो आपका घर वास्तु के हिसाब से ज़मीन का नॉर्थ ईस्ट साइड में होना चाहिए। नीचे का जो पानी स्टोरेज के लिए भी वो नॉर्थ ईस्ट साइड में होना चाहिए और उसके ऊपर कोई चढ़ना नहीं चाहिए। ओवरहेड टंकी
जो छत के ऊपर आप बनाते हैं वो वेस्ट साइड या नॉर्थ वेस्ट साइड में होना चाहिए। सेप्टिक टैंक जो नीचे आप बनाते हैं लैट्रिन और या बाथरूम या टॉयलेट पानी वगैरह के लिए, वो नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। टॉयलेट आपका वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। गो या गाय वगैरह आप रखने के लिए वो नॉर्थ वेस्ट में उनके लिए बनाना चाहिए। गैरेज आपका नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। मेन गेट नॉर्थ या ईस्ट में होना चाहिए। आप कोई ऑफिस खोल रहे हैं तो वो नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट में होना चाहिए। स्टोर रूम आपका नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। स्टडी रूम आपका नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। आपका घर का डोर या विंडो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। पोर्टिको नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में होना चाहिए। बरामदा नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। आप जो घर में सीढ़ी बना रहे हैं लगभग दक्षिण पश्चिम या साउथ वेस्ट में या वेस्ट में होना चाहिए। आपका जो छत का ढालू है वो साउथ वेस्ट से लेके या दक्षिण पश्चिम से लेके नॉर्थ ईस्ट को पानी चला जाना चाहिए, ताकि साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम दिशा ऊंचा होना चाहिए और उत्तर पूर्व दिशा नीचा होना चाहिए। आज के लिए टॉपिक यहीं पे रखते हैं। जय गुरु।